सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या उसके मन में आपको लेकर क्या विचार आ रहे हैं, इसका पता लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल का काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के बारे में जान ले तो वह दूसरों का मन आसानी से पढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस कला में महारत हासिल कर लेता है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो जाता है और जीवन की हर परिस्थिति को मोड़कर अपने अनुकूल ढाल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरों का मन कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपने मन को शांत और स्थिर रखें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके मन की बात जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत और स्थिर रखें। आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति के हाव भाव और बातों पर होना चाहिए। यदि आपका मन कहीं इधर उधर भाग रहा होगा तो आप सामने वाले व्यक्ति के मन का जरा से भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसके साथ साथ आप उस व्यक्ति के हाव भाव और फिजिकल मूवमेंट को अच्छे से ध्यान में रखें। यदि उस व्यक्ति के हाव भाव और फिजिकल मूवमेंट शांत हैं और वह व्यक्ति आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है तो समझ जाइए कि उसको आपकी बात पसंद आ रही है और वह पॉजिटिव प्रतिक्रिया देने वाला है। और यदि उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव हैं और साथ ही आँखों में अस्थिरता है तो समझ जाइए कि आपके बात पर वह सहमत नहीं है और वह नेगेटिव प्रतिक्रिया देने वाला है। इसके अलावा यदि आँखों की आईब्रो चढ़ी हुई हो और चेहरे के हाव भाव उग्र दिखाई दे रहे हों तो यह बात साफ है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पर गुस्सा आ रहा है और वह गुस्से से भरी प्रतिक्रिया जाहिर करने वाला है। तो उस व्यक्ति के हाव भाव और फिजिकल मूवमेंट को देखते हुए अपनी बात का रुख दूसरी दिशा में मोड़ कर सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया को भी अपने अनुरूप मोड़ सकते हैं। हाव भाव और फिजिकल मूवमेंट के अलावा सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार और बात करने का तरीका भी इस बात का साफ संकेत देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। यदि आप अपने मन को शांत करके सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप उसके मन की बात को साफ साफ सुन सकते हैं। इस तरह दूसरों के मन की बात जानने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।